मेरे राघव जी मैया जी के साथ विराजमान हैं और वहां पर लक्ष्मण भैया उपस्थित नहीं हैं। इसी दौरान प्रभु ने क्या लीला रची है, मानस में गोस्वामी जी ने अब उसका दर्शन कराया। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। एक बार राघव जी ने अपने हाथों से पुष्प तोड़े, उन सारे पुष्पों को जब चयन किया ना, तो उन पुष्पों से ठाकुर जी ने मैया जानकी के लिए आभूषण बनाए। क्या बनाया? आभूषण, गले का हार, मांगटी का कर्णफूल, बाजूबंद, हाथ के कंगन, ये सारे आभूषण राघव जी ने अपने हाथ से बनाए फूलों के। और बनाने के बाद क्या किया, सीतहिं पहिराए प्रभु सादर, अति आदर के साथ राघव जी ने वो सारे आभूषण मैया जी को धारण करवाए। मैया जी को जब धारण करवाया ना, ये जब लीला देखी ऊपर के देवताओं ने, तो सारे देवता आकाश में खड़े हो गए और ऊपर से फूल बरसाने लगे कि जीवन में प्रथम बार राघव जी की ऐसी कोई लीला हम देख पा रहे हैं। ये जब लीला देखी सब सुमन वर्षा कर रहे हैं। उन्हीं देवताओं की लाइन में बैठा था कौन? इंद्रदेव का बेटा जयंत। जैसे ही जयंत ने देखा नीचे, अरे ये तो अपनी भार्या को सजा रहे हैं, ये भगवान हैं, भगवान भला ऐसे अपनी पत्नी का श्रृंगार करेंगे? ये भगवान भगवान नहीं है, और ये देवता इनके भरोसे बैठे हैं, ये सब पगलाए हुए हैं, इनको तो पता भी नहीं है, गलत जगह पे ये अपना विश्वास टिका के बैठे हैं, जो अपनी भार्या का श्रृंगार करे, क्या ये भगवान के लक्षण होंगे? ना 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 ना, ये देवता गलत फहमी में है, जाऊंगा, अगर ये भगवान समझते हैं सारे देवता इनको, तो जाता हूँ जरा इनके बल का अंदाजा लगा के आता हूँ कि भगवान है तो कितना सामर्थ्य है, जाऊंगा बल की परीक्षा लूंगा और तब आकर इन देवताओं से कहूंगा कि गलत जगह विश्वास करके ना बैठो, ये भगवान भगवान नहीं है। अब जयंत परीक्षा लेना चाहता है, तो परीक्षा लेने के लिए क्या बन के गया? भगवान की परीक्षा लेने जानते हैं? कौआ। ब्रह्म की परीक्षा लेने जा रहा है और वेश धारण किया किसका? काग का। गोस्वामी जी ने लिखा, अगर चींटी सोचे कि जाऊंगी और समुद्र के भीतर कितना पानी है आज अंदाज के आऊंगी, तो सोचिए वो सागर तक तो जा ही नहीं पाएगी, जो रेता होता है ना सागर के किनारे, वाई में हेरा जाएगी, वो समुद्र के जल का क्या था पा पाएगी। उसी प्रकार ये मूर्ख जयंत भगवान की परीक्षा लेने चला है, काग बन के चला, और जब पहुंचा तो जानते हैं क्या किया? सीता चरण चोंच हती भागा, मैया जी के चरणों में चोंच से प्रहार किया और भाग गया। मैया जी को कष्ट तो हुआ, लेकिन मैया जी ने राघव जी से बताया नहीं। आप दर्शन करना, मैया ने बताया नहीं है तो राम जी कैसे जान पाए? चला रुधिर रघुनायक जाना, जब रुधिर वो रक्त की गर्म धारा बहकर निकली राघव जी के चरणों तक जब पहुंची ना, अब मेरे प्रभु को पूरा वह दृश्य स्पष्ट दिख गया कि ये मूर्ख मेरा बल देखने आया है, तो चलो इसको बल का दर्शन कराते हैं। अब राघव जी ने क्या किया, कुश के आसन पर बैठते थे उस समय, चूंकि उदासीन व्रत धारण किया है, तो जिस कुश के आसन पर राघव जी बैठे थे उसी से दो सींक निकाली, एक को मोड़ा धनुष का रूप दिया, एक को तीर बनाया और ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़ दिया जयंत के पीछे। किसी ने कहा कि राघव जी के पास अपना धनुष बाण मौजूद था तो फिर कुश का क्यों बनाया?
अब सोचिए, मच्छर को मारने के लिए भी भला कोई बहुत बड़ा मंत्र जादू की जरूरत है क्या? वो तो ऐसे करते ही समाप्त। एक कौवे को, एक काग को आज मारने के लिए भला राघव जी को अपना धनुष बाण उठाना पड़ेगा? काग के लिए तो ये कुछ ही काफी है। जैसे ही राघव जी ने बाण छोड़ा, अब ये बाण लगा पीछे जयंत के, अब जयंत भागना शुरू हुआ। कहां कहां भागा जानते हैं? सबसे पहले अगर बेटा जी गलती करते हैं तो कौन सा घर याद आएगा? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, आपन घर। हमारे बाबूजी जरूर बचाएंगे, भले दो झापड़ मारेंगे लेकिन बचाएंगे जरूर, पिट लेंगे लेकिन और कहूं नहीं जाएंगे। जयंत भी भाग के सबसे पहले अपने बाबूजी के यहाँ पहुंचे, स्वर्ग इंद्रदेव के पास। पिताश्री रक्षा करिए, रक्षा करिए। इंद्रदेव ने कहा, क्या हुआ? थोड़ा शांति धरो, क्या हुआ? ऐसा हाँफ रहे हो, क्या हो गया? जयंत ने पूरी बात बता दी। भगवान के बल की परीक्षा लेना था, मैं कौवा बना और मैया के चरणों में चोंच से प्रहार किया और भाग के आया हूँ, लेकिन मेरे पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है, क्या करूं? इंद्र ने कहा द्वारपालों से, और कुछ ना करो, सबसे पहले दरवाजा बंद करो। जयंत को लगा कोई बचाए ना बचाए, हमारे बाबूजी हमको जरूर बचा लेंगे। तब तक जैसे जयंत भीतर जाने लगा, इंद्रदेव ने द्वारपालों से कहा कि पहले या को बाहर धक्का मारो, तब कपाट लगाओ, इसको निकालो। ये कौन कह रहा है? जयंत के अपने पिताजी, निकालो। अब ये समझ गया, अब मेरा कौन होगा? मेरे अपने पिता ने मुझे त्याग दिया। जब दिन गर्दिश के आते हैं, हर शख्स बुराई देता है, दुनिया में नहीं कोई अपना हमदर्द दिखाई देता है। रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं, कहते हैं रिश्ता दूर, कथा पानी तक नहीं पिलाते हैं। समय खराब समझिए। अब जयंत भाग के गया, चलो पिताजी ने नहीं बचाया कोई बात नहीं, पर पितामह बचा लेंगे, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी इसके पास पहुंचा, पितामह रक्षा करो, रक्षमाम रक्षमाम, मेरी मेरी सहायता करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, का करके आए हो? बोला, मैया के चरण में प्रहार किया है, ब्रह्मास्त्र पीछे लगा है। ब्रह्मा जी ने कहा, वो तो एक केठो लगा है, दूसर का हम छोड़े, इसके पहले भाग लो, निकलो यहाँ से। अब ये भागा भागा, ब्रह्म लोक को भी छोड़ा और भाग के गया कहाँ? कैलाश। वो भोले भाले शिव शंभु हैं, वो अवढ़र दानी हैं, कोई सुने न सुने बाबा रख लेंगे, और बाबा बचा लिए तो वास मामला ठीक। भाग के पहुंचा जब कैलाश में, क्या देखता है, बाबा पहले ही त्रिशूल लेके बैठे थे। आओ आओ, भगा वहां से। गोस्वामी जी लिखते हैं, काहू बैठन कहा ना ओही। बचाना तो दूर है, किसी ने यह भी नहीं कहा कि जयंत थोड़ा सांस ले लो, बैठ के पानी वानी पी लो, थोड़ी देर बैठ जाओ फिर भागना। काहू बैठन कहा ना ओही, क्यों? राखी को सकई राम कर द्रोही। किसी ने बैठने तक को नहीं कहा, क्यों? क्योंकि उसने प्रभु के प्रति अपराध किया है। भागते भागते जब जयंत आगे जा रहा था ना, इतने में ही नारद जी की निगाह पड़ गई। संयोग देखिए, मैंने कथा के शुरुआत में ही आज आपसे संत चर्चा की है। संत कैसे मिलते हैं? स्वयं से आकर, जब भगवान की कृपा हो। जयंत नारद जी के पास नहीं गया है तो कैसे नारद जी मिले? नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने खुद देखा। अब सोचो, क्या भगवान की कृपा नहीं है? जैसे एक कुम्हार जब मटकी बनाता है ना, तो मटकी को परखने के लिए कि पका है कि कोई कमी है, ऊपर से चोट करता है पर नीचे से हाथ लगा के रखता है कि कहीं मेरा प्रहार इतना भी तीव्र ना हो जाए कि ये मटकी टूट जाए, और इतना भी हल्का ना हो कि ये आगे चलकर एक छोटी सी चोट भी ना झेल पाए। दोनों के बीच में वो अपनी चोट को रखता है, ना ज्यादा ना ही कम। उसी प्रकार ठाकुर जी भी हमें सही मार्ग पे लाने के लिए कष्ट तो देते हैं, पर यकीन करिए, कुम्हार की भांति वो भी अपना हाथ हमारे हाथ के साथ ही रखते हैं।
सदैव रखते हैं। नारद जी ने जब देखा, नारद जी ने कहा, ओ जयंत इधर आओ। तो बोला, महाराज आज बतियाने का टाइम नहीं है, भागने दो नहीं मरी जाऊंगा। नारद जी ने कहा, आओ तो सही, क्यों मर जाओगे, क्या हो गया है, क्यों भाग रहे हो। बोला, महाराज रोको नहीं, देखो पीछे ही ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है, मैया जानकी के चरणों में चोंच मार के आया हूँ, भगवान के बल का परीक्षण करना चाहता था, भगवान ने क्रोधित होकर ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, अब मुझे भागने दीजिए नहीं तो ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार देगा। नारद जी ने कहा, ओ जयंत एक बात बताओ, अगर इस ब्रह्मास्त्र को तुम्हें मारना होता तो कब का मार चुका होता, ये मारना थोड़ी ना चाहता है। जयंत ने कहा, आपके पिछवा थोड़ी ना लगा है, तीन लोक में तो हम भाग रहे हैं, तो हमको पता है ना कब से दौड़ाए हुए हैं, और आप कहते हो मारना नहीं चाहता है, मारना नहीं चाहता तो पीछे क्यों लगा है। नारद जी ने कहा, अगर ये तुम्हें मारना चाहता ना जयंत, तो जब तुम अपने बाबूजी के यहाँ खड़े होके बतिया रहे थे तब मैं मार देता, जब तुम ब्रह्म लोक गए थे तब मार देता, तब ये क्या कर रहा था। जयंत ने कहा, जब जब मैं रुका तब तब ये रुका रहा, ये आगे नहीं बढ़ा। नारद जी ने कहा, जयंत दुनिया मारती है तो राम बचाते हैं, तुम्हें तो राम ने मारा है, तुम्हें कौन बचाएगा, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा, तुमने तो भगवत अपराध किया है। जयंत ने कहा, तो महाराज अब यहाँ पे अभी कथा सुनने सुनाने का टाइम नहीं है, कोई रास्ता पता हो तो बताओ। नारद जी ने कहा, जयंत मेरी बात का विश्वास करो, ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारा संहार नहीं करना चाहता, ये तुम्हारा सुधार करना चाहता है। सुधार? तो अगर मारना नहीं चाहता है तो क्यों मुझे तीन लोक में दौड़ाता फिर रहा है। नारद जी ने कहा, ये ब्रह्मास्त्र तुम्हें संकेत कर रहा है कि जयंत पूरे तीनों लोक में, क्या पूरे विश्व में, चाहे जिस कोने में भटकते रहो, आकाश पाताल मृत्यु लोक कहीं भी भटकते रहो, लेकिन जिसके प्रति तुमने अपराध किया है, जब तक उनके शरण में नहीं जाओगे तुम्हारी रक्षा होने वाली नहीं है, कोई नहीं बचा पाएगा, ये तुम्हें सही ठिकाने पर पहुंचाना चाहता है। जयंत ने कहा, अगर उनके पास गया तो मार नहीं देंगे मुझे। नारद जी ने कहा, उनको अगर तुम्हें मारना होता ना तो ये ब्रह्मास्त्र छोड़ने की भी जरूरत नहीं थी, उनकी तो ये भौंह के इशारे मात्र से दुनिया समाप्त हो सकती है और बन सकती है, तो तुम्हें मारने के लिए उन्हें ब्रह्मास्त्र चलाने की आवश्यकता भी नहीं थी, मन में भी संकल्प कर लेते तो तू जल के राख हो जाता। उनका ये स्वभाव नहीं है जयंत, तुम मेरे कहने पे फिर से जाओ और राघव जी के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो और उनके क्षमा प्रार्थी हो जाओ। जयंत भागता हुआ फिर आया और राघव जी के चरणों में अपना शीश रख दिया। मही जा तब चौक पड़ी छन में, कवि भैरव चोंच गड़ा चरणों में, सब लोक सशोक जयंत फिरा, ना मिला अवलंब पड़ा चरणों में, नाथ क्षमा इसको करिए, इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में, मेरी माँ अपना दुख भूल गई, शरणागत काग पड़ा चरणों में। जैसे ही काग चरणों में आया, ठाकुर जी ने कहा, तुमने क्यों ऐसी गलती की। जयंत ने कहा, वो ना मैं आपका बल देखना चाहता था, आपका प्रभाव देखना चाहता था। ठाकुर जी ने कहा, प्रभाव दिखा कुछ। बोला, हाँ अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई।
अतुलित बल है प्रभु, आपकी अतुलित प्रभुता है। मैं ही मूर्ख था जो शंका कर बैठा। ठाकुर जी ने कहा तो जब तुमने मेरा प्रभाव देख लिया तो अब दोबारा काहे को आए हो। जयंत ने कहा सरकार पहली बार आया था ना तो आपका प्रभाव देखना चाहता था, अब दूसरी बार आया हूँ क्योंकि आपका स्वभाव देखना चाहता हूँ। सुना है कोई घोर से घोर भी अपराध कर बैठे लेकिन अगर आपके शरणागत हो जाए तो आप समस्त अपराधों को क्षमा करके उसे स्वीकार कर लेते हो। बस देखना है कि क्या वो वैसा ही स्वभाव अभी भी है कि नहीं है, क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है।